अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो बुनियादी फ़र्क है, जो बुनियादी डिफरेंस है, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जस्ट मैग्नेटिक फील्ड को की बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके में बुनियादी फ़र्क कौन कौन से हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रिएटेड वेन एवर देयर इज़ अ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी मैग्नेटिक फील्ड तब तब प्रोड्यूस्ड होगी, पैदा होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर ये मोशन में हैं और करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इंक्रीजेज द लेवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। यानी जितनी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे करंट प्रोड्यूस होगा। अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो करंट के इंक्रीज होने से यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किस में करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड्स आर मेजर्ड इन मिलीगास। यानी जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे तो उसकी जो यूनिट है जिसमें आप मेजर करेंगे वो है मिलीगास में। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज़ वन दैट इज़ क्रिएटेड अराउंड अ परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस आर अ मूविंग इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड जस्ट दो चीज़ों की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जैसे पहले दूसरी स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। अब एक दूसरा पार्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो परमानेंट मैग्नेट है तो उसकी वजह से भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मींस एक मैग्नेटिक जो अपने इर्द गिर्द मोशन की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो स्ट्रेंथ होती है, अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइदर गाज आर टेस्ला। अब जब इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है या गाज से या टेस्ला से। कि जब भी हमारे पास स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, मीन मजबूती को फाइंड करते हैं, कहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं या गाज को या टेस्ला को यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये एक एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो इसे नोट कर लें। और द मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिटेक्टेड बाय द फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया जाता है उस फोर्स से जो एक मैग्नेटिक पार्टिकल एंड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस पे लगती है। यानी जब एक मैग्नेटिक पार्टिकल जो फोर्स लगाता है या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग प्रोटॉन्स जो फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जो फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उससे इसकी फील्ड को भी डिटेक्ट किया जाता है। और फील्ड का आपको पता है वो एक रीजन होता है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन की कोई फोर्स होगी। अब एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स व्हेन एवर अ वोल्टेज इज प्रेजेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी? जब हम किसी भी सर्किट को किसी भी सोर्स से वोल्टेज देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्रिएटेड अराउंड द एप्लायंस एंड वायर्स व्हेन वेयर एवर अ वोल्टेज एग्जिस्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जहाँ पे हम किसी भी सर्किट को, किसी भी कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं, किसी भी सोर्स के जरिए से अगर वोल्टेज देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है और वोल्टेज हम नहीं दे रहे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये एक चार्ज जब रेस्ट में है तो ये रेस्ट वाला चार्ज भी अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। तो ये बुनियादी डिफरेंस है इनमें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर। अब उसे मैग्नेटिक फील्ड को हम गाज में मेजर करते थे, मिली गाज में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, अब इसकी जो स्ट्रेंथ है कि कितनी मजबूती है, ये वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं और वहाँ पर हम गाज या टेस्ला लगाते हैं। तो ये भी बुनियादी फ़र्क है दोनों में। एक तो ये फ़र्क आ गया, एक मोशन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन की, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में भी हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी।
An electric field is essentially a force field that's created around an electrically charged particle. अब कोई भी electrically charged particle है तो उसके इर्द गिर्द जो electric field है essentially a force field, और ये जो electric field है ये एक force field है जो किसी भी charged particle के इर्द गिर्द produce हो जाती है, ठीक है, एक area में. और magnetic field के लिए उस चार्ज का मोशन में आना लाजमी है. अगर मोशन में नहीं है तो उसके पास जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब मोशन में जाएगा कोई भी चार्ज पार्टिकल तो उसके पास दो फील्ड्स होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये हमारे इसमें जो बुनियादी फ़र्क हैं जो हमने डिस्कस कर दिए.